तेरी, वहां तो मार लिया था, अब यहाँ पे क्रिस बनना पड़ेगा या सांप बनना पड़ेगा। भाई बच्चे नहा रहे हो, डर भी रहे, कह रहे भाई शर्म आ रही है हमें, यार हम भी बच्चे थे तो हम वैसे नहाते थे। तो भाई काफी ज्यादा बड़े डायनासोर्स हैं, देखो हम तो इसके पैर तक भी नहीं आ रहे। वेलकम बैक गाइस, तो आ गया हूं एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज आया हूं, तो आज आया हम सेक्टर 49 एनिमल पार्क है। कमेंट में बताना ना बाल कैसे लग रहे हैं। ये क्या है भाई, तू कंप्लीट करे देगा आज भाई? बता देंगे, ठीक है। सो गाइस चलते हैं। सो गाइस एंटर हो गए हैं पार्क में। ये देखो बड़े डायनासोर बने हुए हैं। स्टार्टिंग में देखो सबसे बड़ा डायनासोर, ये देखो। सो गाइस काफी ज्यादा बड़े डायनासोर्स हैं, देखो हम तो इसके पैर तक भी नहीं आ रहे। सो गाइस ये देखो, उसका नाम है पूरा वैली ऑफ एनिमल। सो गाइस ये देखो गुफा बनाया गया एक, काफी अच्छा है यार। सो यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए देखो लगाया गया पूरा, जो कि हर पार्क में होता है चंडीगढ़ में। सही बात है, यहाँ पे हर पार्क में लगा दिया गया है। गाइस काफ़ी अमेजिंग पार्क है ये, तो इसमें सुना है कि एनिमल्स के स्टैचू वगैरह बनाए गए हैं इसमें। आगे देखते हैं, डॉल्फिन है, फाउंटेन वगैरह है इसमें, बच्चे नहा रहे हैं। ओहो मैं भी नहाऊंगा, पर वो देखो काफ़ी बड़ा पार्क है गाइस, वैली ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स पार्क के नाम से भी जाना जाता है ये। सो गाइस ये देखो डॉल्फिन फाउंटेन है, जहाँ भी बच्चे नहा रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या हाल है मित्रों। अंकल वीडियो क्यों बना रहे? अंकल बोल रहा मार दे साले का, खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले। ये को डर के भाग रहा है। तो गाइस ये डॉल्फिन फाउंटेन है, देखो ये बच्चे नहा रहे हैं, काफी समझदार बच्चे हैं। देखो भाई बच्चे नहा रहे हो, डर भी रहे, कह रहे भाई शर्म आ रही है हमें, यार हम भी बच्चे थे तो हम वैसे नहाते थे। ऐसे एनिमल्स हैं, मुझे लगा यार वैसे बना हुआ, चलो ये भी ठीक ही है भाई, हमने भी किया यार। हाँ हाँ किया मैंने यार, वो पता नहीं क्यों डर रहा है हमसे। तो भी आपको और भी दिखाते हैं गार्डन। तो गाइस हवाई जाते हो कितना नीचे, ये देखो। ये लैंड हो रहा है यहाँ पे, एयरपोर्ट है 47 का, 47 में एयरपोर्ट है, तो ये वहाँ लैंड हो रहा है। जंप देख रहे हो, तू जंप मारियो भाई, इतनी टाइट नहीं है कि यहाँ से इतना ना कर सके तू। सब मारेंगे, ओ तेरी, वहां तो मार लिया था, अब यहाँ पे क्रिस बनना पड़ेगा या सांप बनना पड़ेगा। सब देखते हैं कहाँ से जाएंगे हम। तो आगे वहाँ पर इधर कैसे जाएगा, पानी ज़्यादा है।
काम हो जाएगा, कोई नहीं, हम पीछे से आएंगे वापस। वापस नहीं आएंगे, इधर नहीं है पानी। आई विल ट्राई ब्रो। जय बजरंगबली। बस ठीक है, ये देखो एलिफेंट बनाया गया है। ऐसे में ही देखो कई चीज़ बनाई गई हैं। देखो एलिफेंट है, वो हिप्पो है, ओ भाई पानी, ये क्या है, ये देखो दो हिप्पो हैं यहाँ पे, वो देखो डायनासोर्स के बच्चे, बच्चे भी हमसे बड़े हैं देखो। सो गाइस, वो साइड में स्कूल भी है जहाँ से अक्सर बच्चे बंक मार के यहाँ पे आया करते हैं। सो अभिनव की यादें भी यहाँ से बहुत जुड़ी हुई हैं, वो मुझे बता रहा था कि वो आता था किसी के साथ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ भी एक गुफा है, स्टार्टिंग में भी थी और एंड में भी है। नॉर्मली ये पार्क बहुत अच्छा है रेस्ट वगैरह करने के लिए, पिकनिक पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा है। गाइस इस पार्क में ना काफ़ी लोग आते हैं पिकनिक मनाने, पार्टी वगैरह करने। सो गाइस देखो इसमें ना कुछ अलग अलग सा ही बनाया गया, मतलब कि ये एनिमल वैली एनिमल्स है तो कुछ खास होना चाहिए ना अलग, तो इसमें अलग है। देखो बैठने के लिए, ये सोच रहे होंगे कुछ कि टूटा हुआ है कुछ है अलग, पर ये बैठने के लिए बनाया गया। ये तो चलो टूटा हुआ है, ये तो चलो बैठने के लिए बनाया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कहीं आप समझो कि ये कुछ बना था यहाँ पे टूट गया, नहीं तो ये बैठने के लिए बनाया गया है ऐसे ही यूनिक सा कुछ। ये साइड में सोसाइटीज़ वगैरह हैं। सो गाइस ये सेक्टर 49 चंडीगढ़ में है ये पार्क, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये मैंने जैसे बताया यहाँ पे लोग पार्टी वगैरह करने आते हैं, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट, फोटो शूट के लिए। देखो डायनासोर जो बने हुए हैं। और गाइस यहाँ पे मेन पॉइंट है कि यहाँ ना, ये देखो यहाँ वो एयरपोर्ट है पास में ही है 47 का, तो वहाँ पे देखो हवाई जहाज आते रहते हैं यहाँ पे। यहाँ हो गए ना आपको कम से कम दिन में 100 से 150 हवाई जहाज लैंड ऑफ होते हुए दिखेंगे। ये मेरा फैन है, मेरी वीडियो बना रहा है। आजा फिर फैन है। सो गाइस अब चलते हैं घर की तरफ, हम काफ़ी देर हम बैठे हैं यहाँ पे। सो गाइस मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, अभिनव पहले भी आ चुका है यहाँ पे, वो मैंने बताया था आपको किसी और के साथ आया था, तो इसको ना अपना पुराना पिछला ओल्ड मेमोरीज याद आ गया, अपना पुरानी यादें, सुनहरी यादें। तो गाइस ये देखो बैठने के लिए कैसा बनाया गया एलिफेंट्स, ये देखो। ये देखो ये एलिफेंट्स बनाया गया है, ये एंट्री पे ही था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, अब देख रहा हूँ इसे मैं। ये देखो इसमें बैठ सकते हैं लाइन से, ये देखो एक साथ। सो धूप है यहाँ पे, अभी कोई बैठेगा नहीं वैसे शाम के टाइम या मॉर्निंग में, इवनिंग और मॉर्निंग में यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने, वो तो लगा हुआ है। सो गाइस कुछ ऐसा ये पार्क था। सो अब चलते हैं घर की तरफ, चले घर, चल यार टाइम भी ज़्यादा हो गया। ये देखो सो गाइस काफ़ी अच्छा गार्डन, अगर ये मेरे ऊपर गिर गया ना भाई, ये मेरे ऊपर गिर गया ना काम हो जाएगा मेरा। ये क्यों मिल रहा भाई अपने आप, जादू जादू, ये अपने आप मिल रहा है।
सो गाइस अब चलते हैं घर की तरफ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो चलते हैं घर। मिलता हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, टाटा।